तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी व विधायक प्रमोद विज के कार्यालय की, जहां पर आज सुबह केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं और उन्होंने कार्यकर्ताओं से मिलकर एक बैठक ली है। देख सकते हैं तस्वीरों में उनका स्वागत किया जा रहा है और इसके अलावा कार्यकर्ता मौजूद हैं, नेता मौजूद हैं बीजेपी के, और सामने मौजूद हैं मंत्री मनोहर लाल और साथ ही प्रमोद भीजी मौजूद हैं, जिनके द्वारा कार्यकर्ताओं की बैठक ली जा रही है। इस दौरान मंत्री मनोहर लाल ने मीडिया से बातचीत में कांग्रेस पर जमकर हमला किया और कहा कि आने वाली सरकार एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है। एक बार सुनिए। हरियाणा में विधानसभा का चुनाव इस समय प्रचार अपने जोबन पर है और जैसे जैसे स्थितियाँ क्लियर हो रही हैं वैसे वैसे मैं अपने विश्वास को आपके सामने व्यक्त करता हूं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली तीसरी बार स्पष्ट बहुमत की सरकार बन रही है और उसके अपने कुछ आधार हैं, कुछ तथ्य हैं। पहली बात, कांग्रेस की घबराहट जैसे डेढ़ महीना पहले शुरू हुई थी गठबंधन को लेकर के कि हमारे साथ कोई आए गठबंधन कर ले, कोई आए गठबंधन कर ले, ये केवल कमज़ोर व्यक्तियों की निशानी होती है और कमज़ोरी उनको ऐसी छा रही थी जिसमें से उनकी डूबती नैया में किसी ने गठबंधन का हाथ भी आगे नहीं बढ़ाया, पहला कारण। दूसरा कारण, भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री को स्पष्ट रूप से घोषित करके कि हमारी सरकार के मुख्यमंत्री होंगे श्री नायब सिंह जी सैनी, जबकि कांग्रेस में वो इतना दम भी नहीं जुटा पा रहे हैं कि अपने मुख्यमंत्री का नाम ही घोषित कर सकें, क्योंकि उनका द्वंद्व जो मचा हुआ है खूब मचा हुआ है। तीसरा, नामांकन से पर्याप्त समय पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कैंडिडेट्स घोषित इसलिए किए कि हमें पूरा विश्वास था। ये विश्वास की कमी के कारण से आखिरी दिन तक 12 तारीख नॉमिनेशन का दिन था तब तक भी अपने कैंडिडेट इन्होंने 12 को दोपहर 12 बजे 9 कैंडिडेट तो घोषित किए और ज़्यादा इन्होंने 11 तारीख रात को किए। घबराहट थी कि कहीं इनके डिसीडेंट्स इनकी मट्टी गोल ना कर दें। डिसीडेंट्स को भले मौका नहीं मिला होगा नामांकन करने का, लेकिन उनमें से अधिकांश लोग आज हमारे सहयोग में अंदर हमारी सहायता कर रहे हैं और इस प्रकार से मैं विश्वास से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनेगी। सर, ये सबसे बड़ा एक कारण और बताता हूँ, आप हरियाणा का इतिहास उठाकर देख लीजिए कि जब केंद्र में जिस पार्टी की सरकार होती है प्राय वही सरकार हरियाणा भी बनती है। हरियाणा के 58 साल में से 56 साल का इतिहास ये है जिसके केंद्र में सरकार, उसकी हरियाणा में सरकार। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है तो हरियाणा में भी निश्चित रूप से जनता हित में, जनहित में इस फैसले को ही लेगी कि यहाँ भी हरियाणा की सरकार बने, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। ये सरकार निश्चित रूप से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार बनेगी। तो कार्यकर्ताओं की बैठक ली है मंत्री मनोहर लाल ने और उन्हें बता दिया है कि किस तरह से इस बार जो है उन्हें जीत मिलने वाली है। और इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी हैं प्रमोद विज, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे और पूरा बहुमत की सरकार बनने जा रही है। सर, पानीपत की जनता की कितनी उम्मीदें पर आप खड़े उतरे? मैंने जो जनता से वायदे किए थे वो मैंने 100% पूरे करके दिया। मेरी एक बुकलेट छपी है, आप उसको देख सकते हैं, उसमें एक एक प्रोजेक्ट का विवरण दिया हुआ है। ये तो कांग्रेस वाले 70 साल का हिसाब क्या देंगे, हमने तो अपने 5 साल का हिसाब दे दिया है, लेकिन ये कम से कम अपने 10 साल का हिसाब तो दे दें, 4 से लेकर 14 तक का हिसाब दे दें, हमारे लिए उतना ही बहुत है, क्योंकि इनके पूर्वज भी घोटाले करके कहीं तो चले गए। उसका तो ये कह देंगे हमारे पास हिसाब के तो है नहीं, वो चले गए, पर इस 10 साल का हिसाब का तो हुड्डा साहब दे रहे हैं सबको, यही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पानीपत से कांग्रेस के प्रत्याशी ने कहा कि पानीपत में जितना काम आपने करवाया उसी कागजों में है, धरातल पर नहीं है। आप इस बुकलेट में देख सकते हैं कितने कार्य पूरे हो चुके हैं, कितने कार्य चालू हो चुके हैं, कितने कार्य के वर्क ऑर्डर हो चुके हैं, सब उसमें एक एक काम लिखा हुआ है। जितना काम हमने 5 साल, और मैं तो 5 साल भी नहीं कहूँगा, 3.5 साल में, 1.5 साल हमारा कोविड में गया सबको मालूम है, लेकिन इन्होंने 25 साल में उतना काम किया तो चैलेंज करते हैं, कुछ नहीं किया, पानीपत का बेड़ा कर करके रखा और हमने विकास की गति देकर विकास करवाया। इस बार विधानसभा चुनाव किस तरह देख रहे हैं, माहौल क्या लग रहा है? आप देखिए, बहुत अच्छा माहौल है। मैं लगभग 80 के लगभग अभी तक नुक्कड़ सभाएं और सभाएं कर चुका हूँ,
जहाँ जाते हैं 500-700 हजार 2000 आदमी होते हैं, बहुत भारी समर्थन मिलता है। तो मनोहर लाल ने कह दिया है कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, तो देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है, किसकी सरकार बनती है। अपील रहेगी, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।